तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें, क्योंकि भारतीय कंपनियों की जरूरत अब फ्रांस और रूस जैसे देशों को भी पड़ रही है। और ये खबरें सिर्फ न्यूज आर्टिकल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी काम किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की तरफ से। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे परमानेंटली जरूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के अंदर भारतीय कंपनी L&T ने अपनी नई इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है, जहाँ पर इस यूनिट के अंदर वैश्विक एरोस्पेस के नए डिजिटल और डिफेंस के लिए बहुत सारे नए डिजाइन तैयार किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे टाइप के एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और इस सेंटर की खास बात बताई जाए तो इससे भारत को भी कई बड़े फायदे हैं। सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स को इंडिया में भी ओपन किया जाएगा, जिसमें 100 से भी ज्यादा इंजीनियर्स को नियुक्त किया जाएगा, जिनको वेल ट्रेन्ड किया जाएगा इन नए इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस से भी मिलेगी। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसके अलावा फ्यूचर फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी बहुत बड़ी रिसर्च की जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि L&T काफी लंबे समय से एयरबस के लिए काम कर रही है, उनके लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग, एवेनिक्स डिजिटल और बहुत सारे वर्टिकल इंजीनियरिंग सेवाएं भी प्रदान करती है, जहां पर फ्रांस के अंदर ये सर्विस L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा की गई है। और ये एक वैश्विक प्लेयर यानी प्योर प्ले इंजीनियरिंग के साथ मिलकर के काम करेगी। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कंपनी खुद जाकर के फ्रांस में काम करना नहीं शुरू की, बल्कि फ्रांस से कई कंपनियों की रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि हमारी कंपनियों के पास भी कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते उन्होंने L&T को अपने देश बुलाया है। इसके चलते दोनों देशों को कई बड़े फायदे होंगे और प्रोडक्शन लेवल एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि ये सिर्फ बातें खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सेंटर का उद्घाटन भी किया जा चुका है। आपके इसके बारे में क्या राय है? भारतीय कंपनी की ताकत अब विदेशों में भी दिखाई देने लगी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।